आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं कोई कुकिंग वीडियो नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर आई हूँ, जो उम्मीद करती हूँ आप लोग इंटरटेन होंगे, बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जी, ये था ईद का तीसरा दिन। व्लॉग अपलोड करते करते बहुत लेट हो गई हूँ। तो हम जा रहे थे, हमने प्लान किया था कि क्यों ना ईद पर कुछ किया जाए, तो हम इस्तराहा जा रहे थे। तो ये रास्ते की वीडियो है, ये दमाम यूनिवर्सिटी है पूरी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी और अच्छी बनी हुई है, बहुत बड़े एरिया को उसने कवर किया हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोग को भी यहाँ की यूनिवर्सिटी दिखाऊं। तो हम जा रहे थे इस तिराहे पे, तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव पे था इस तिराहा, जिसे पाकिस्तान में फार्म हाउस कहते हैं। तो हम लोग अपने रास्ते पे निकल चुके हैं, तो आइए आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय कीजिए। तो जैसा कि हर दफ़ा होता है, पिकनिक पर जाते जाते रास्ते में कुछ ना कुछ याद आ जाते कि ओ हम ये तो भूल गए, तो हमारे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। तो हम जा रहे हैं हाइपर पांडा, वहाँ से हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, हम वो लेंगे और फिर हम फटाफट से निकल जाएंगे, क्योंकि इस वक्त 10:30 बज चुके हैं और जो है उन्होंने टाइम तो हमें 12 बजे तक का दिया था, लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे हम टाइम से पहुँच जाएँ, ताकि हम इतना पूरा पूरा इंजॉय कर लें। तो जी हाँ, ये हम उस एरिए में आ चुके हैं। मैं आपको इसकी लोकेशन इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इसकी प्राइस भी मैं आपको आगे मेंशन कर दूंगी। तो जी वेलकम। तो जी हम पहुंच चुके हैं इस तिराहे में, और सबसे पहले जो इसकी एंट्रेंस में था, तो ये बच्चों का पूल था, ये दरवाज़ा था, यहाँ से इसकी एंट्रेंस थी। और देखें, यहाँ बच्चों के पूल में उनके लिए स्लाइड्स वगैरह सब कुछ थी। फिर आ जाते हैं अंदर की साइड, तो ये बड़ों का पूल था, जो कि बहुत ज़्यादा डीप था, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे अंदर। और इसका व्यू जो है वो यहाँ हॉल्स और किचन से बैठ के बहुत प्यारा दिख रहा था। तो ये इस तरह बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, कंफर्टेबल था, बहुत अच्छा था। तो ये पूरा व्यू है एक दफ़ा का, कि यहाँ से दरवाज़ा खोलें तो यहाँ बाहर बच्चों का पूल था। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत गर्मी नहीं थी, तो बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो यहाँ पे जो बड़ा पूल था, बिग पूल था, इसमें एसी भी लगा हुआ था, तो पानी तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। और सर्दियों में ऐसा आइडियल पानी मिल जाए, वो भी सऊदी अरब में, तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कब सिग्नल मिले और वो लोग जल्दी से पानी में चले जाएं। तो ये किचन का सारा सामान जो है वो हम लेकर आ चुके थे, तो अब बस देर थी कि हम सामान को जो है वो इसकी जगह पे रखें। और बच्चे इस इंतज़ार में थे कि हमें बोले यस और वो पानी में चले जाएं। ये बड़ा वाला हॉल का एरिया था, और ये छोटी सऊदियों की जैसी मजलिस होती है, ये वो थी। और इसके साथ ही एक बेडरूम था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग्जरी चैलेट था, दरअसल इसको शैले बोलते हैं। इस तिराहा जो है वो थोड़ा सा ओल्ड वर्जन होता है, जहाँ पे आपको स्लाइड्स वगैरह नहीं मिलती हैं। उस तिराहे भी बहुत सारे बहुत अच्छे होते हैं, दो वॉशरूम्स थे इसमें। और ये देखें, ये पूल का एरिया है कि यहाँ पे आप बैठ के चाय पिए, जूस एंजॉय करें, जिसको पूल में नहीं जाना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये आगे से जाएं तो फिर इससे यहाँ से बाहर का व्यू भी नज़र आता था, कि आप दे अगर आप अंदर हैं तो आप बाहर बच्चों को आराम से देख सकते हैं। तो इसकी प्राइस जो थी वो हमने ईद के डेज में ली थी, तो 2200 रियाल्स थी, लेकिन
आप अगर इसको नॉर्मल डेज में लेंगे तो शायद इसकी प्राइस थोड़ी कम होगी। मैं इस कढ़ाई का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह मेंशन कर दूंगी। तो जी, ये किचन को तो हमने डेकोरेट करना ही शुरू कर दिया था, सारा सामान हमने रखना शुरू कर दिया था और हम बना रहे हैं दोपहर में कढ़ाई। तो मैंने सारे कढ़ाई के जो मसाले थे वो हम लोग एक डब्बी में डाल के ले आए थे। और यहाँ पे देखे टमाटो कैन मैं आसानी के लिए ले आए थे, नमक ले आए थे तो कढ़ाई में डलेगा। टमाटो कैन, टमाटर नहीं लाए थे ताकि ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो। और चिकन बोनलेस ले ली थी जिसको क्यूब्स में कट करके पहले से ले आए थे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक चूल्हा था इसको जलने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो हमने कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर दी है। तो कढ़ाई की कोई ख़ास रेसिपी नहीं थी, रेसिपी तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बस हमने सारे मसाले और चिकन ऐड करके और टमाटर, अदरक लहसुन सब कुछ, अदरक लहसुन भी नहीं ले गए थे, उसका पाउडर ऐड कर लिया था इन्हीं मसालों में। तो ये सब ऐड करके हमने बनाने रख दी थी, क्योंकि खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हम रोज़ खाते ही रहते हैं। तो आज लेकिन ये कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, झटपट बन गई थी और सबने बनाते बनाते इंजॉय भी किया था और बहुत मज़ा आ रहा था। आई होप आपको भी वीडियो देखकर मज़ा आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी इस तरह दिखाऊँ और आपको और भी उनके इंफॉर्मेशन दूँ तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उसकी एक बिल्कुल सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जब हम बहुत सारे शैले ढूंढ रहे थे तो मेरे पास बहुत सारी वीडियोस रखी हुई हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये टमाटर का कैन डल चुका है और कढ़ाई तकरीबन तकरीबन एक घंटे में रेडी हो गई थी। तो सब इंजॉय कर रहे थे, आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। ज़्यादा वीडियो क्लिप्स मैं नहीं बना पाई, लेकिन जो भी बनाया है वो आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो जल्दी से जाके लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो जाके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब